अगर आप लोग गाइस फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं, प्लस प्रीमियम मेंबर हैं, तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट से जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको ना 4% सुपर कॉइन्स साथ में मिल जाते हैं। 1000 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं 40 सुपर कॉइन्स मिल जाएंगे, 100 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं 4 सुपर कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। सो ये जो सुपर कॉइन्स रहते हैं, काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कब जाकर फ्लिपकार्ट अकाउंट में क्रेडिट कब होते हैं, ये डाउट ना काफ़ी लोगों के मन में रहता है, लेकिन मैं इस डाउट को पूरा क्लियर कर दूंगा, आसानी से आपको समझा देता कब जाकर क्रेडिट होते हैं। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट जब आपने खरीदा है, अगर उसके साथ उसकी रिटर्न पॉलिसी है, 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है प्रोडक्ट के साथ में, अब जो रिटर्न पॉलिसी खत्म होगी तब जाकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सुपर कॉइंस। 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 8वें दिन आपके अकाउंट में सुपर कॉइंस क्रेडिट हो जाएंगे। 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 11वें दिन आपके अकाउंट में सुपर कॉइंस क्रेडिट हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ की रिटर्न पॉलिसी नहीं रहती है, आप जैसे ही प्रोडक्ट का पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत देर बाद आपके अकाउंट में सुपर कॉइंस मिल जाएंगे गाइस। और बात, काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे पे लेटर से कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसके सुपर कॉइंस कब जाके क्रेडिट होंगे, तो उसमें भी यही वर्क करता है। जैसे ही पे लेटर से कोई भी चीज़ खरीदी, उसकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, तब जाकर आपको उसके सुपर कॉइंस क्रेडिट हो जाते हैं। और ये भी रहता है कि पे लेटर का जो पेमेंट रहता है वो तो आपको करना ही करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे ही रिटर्न पॉलिसी समाप्त हो गई, आप उसको किसी भी हालत में वापस तो कर नहीं सकते, इसीलिए वो आपके अकाउंट में ज़रूर आ जाएंगे सुपर कॉइंस। सो आशा करता हूँ आपको ना सारा का सारा समझ में आ गया होगा, सारा रिटर्न पॉलिसी पे मैटर करता है। जैसे ही रिटर्न पॉलिसी ख़त्म होती है आपके अकाउंट में सुपर कॉइंस आ जाते हैं दोस्तों, अगर रिटर्न पॉलिसी प्रोडक्ट की नहीं रहती है और गाइस आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको अपने अकाउंट में सुपर कॉइंस मिल जाते हैं।